जादुई सोने की गाय गोबर वाहन खिलौना। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते रोहित के साथ रहती थी। उसका पोता बहुत ही प्यारा था। वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी सारी इच्छा पूरी नहीं कर पाती थी। एक दिन उसका पोता उसके पास आकर बोलता है, दादी मुझे भी खिलौना लाकर दो ना, बाकी बच्चों की तरह मुझे भी खिलौने से खेलना है। सबके पास इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। आप मेरे लिए भी खिलौना लेकर आओ ना। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तेरे लिए खिलौना लेकर आ सकूं। तुम जाकर दूसरे बच्चों के साथ उनके खिलौनों से खेलो, जाओ। अपनी दादी की बात सुनकर रोहित उदास होकर दूसरे बच्चों के पास जाता है और बच्चों से बोलता है, मुझे भी अपने साथ खिला लो, मेरी दादी के पास पैसे नहीं है कि मुझे खिलौने लाकर दे, इसीलिए मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल लूंगा। हम अपने खिलौने तुझे क्यों दे? अगर हमने अपने खिलौने तुम्हें दे दिए तो तुम हमारे खिलौने तोड़ दोगे, फिर हमारे मम्मी पापा भी हमें खिलौने नहीं दिलाएंगे, इसीलिए हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। बच्चों की ये बात सुनकर रोहित रोने लगता है और उदास होकर अपनी दादी के पास जाता है और फिर दादी को बोलता है, दादी मुझे किसी बच्चे ने खेलने नहीं दिया, वो बोलते हैं कि तुम अपने ही खिलौनों से खेलो, अपना खिलौना लेकर आओ। दादी रोहित को ऐसे उदास देखकर बोलती हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे रोहित तू उदास मत हो, मैं तेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ और फिर तेरे लिए खिलौने लेकर आऊंगी। आप सच बोल रही हो दादी? हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी से तेरे लिए खिलौना लेकर आऊंगी। फिर दादी जाकर अपनी जमा पूंजी देखती है तो बस उसे एक चांदी का सिक्का ही मिलता है और वो सोचती है, इस चांदी के सिक्के में रोहित के लिए छोटा मोटा खिलौना तो आ ही जाएगा। फिर दादी उसे लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और वो जंगल के रास्ते से होकर जाती है और दादी बोलती है, हे भगवान कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, पहले तो मेरा बेटा और बहू मुझसे छीन लिए और उसके बच्चे की परवरिश के लिए आज मेरे पास सिर्फ ये चांदी का सिक्का है। मैं उसकी कोई जिद भी पूरी नहीं कर सकती, कैसी दादी हूँ मैं। दादी यही सोचती हुई जा रही थी तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बहन जी कहाँ जा रही हैं? अरे बाबा प्रणाम, मैं अपने पोते के लिए एक खिलौना लेने जा रही हूँ। मेरा पोता जिद कर रहा था कि उसे खिलौना चाहिए, पर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसे खिलौना दे सकूं, इसीलिए मुझे ये चांदी का सिक्का गुल्लक में मिला है, उसे ही लेकर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान अभी निकलने वाली है। अरे बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो होगा मैं आपके लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। आप यहीं पर बैठिए और मेरा इंतजार करिएगा। बूढ़ी दादी बाजार में चली जाती हैं और वो रास्ते में सोचती हैं, मेरा बेटा खिलौने के बिना एक दो दिन और रह लेगा, लेकिन बाबा भूखे नहीं रह सकते, वो भूख से मर ही जाएंगे। उन्होंने कहा भी था, मैं इस चांदी के सिक्के से जो रुपए आएंगे उनसे खाना ही ले लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर बूढ़ी दादी उस चांदी के सिक्के को बेच देती हैं और उससे जितना पैसा मिलता है उनसे खाना ले आती हैं। दादी उसे लेकर बाबा के पास जाती हैं। लो बाबा खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। बाबा खाना खाकर बोलते हैं, इन पैसों से तो तुम अपने बच्चे के लिए खिलौना लेने वाली थी, तुम खिलौना नहीं लाई। मेरे पास एक ही सिक्का था बाबा, और मुझे नहीं लगता कि उसमें खिलौने आ जाते, इसीलिए आपके लिए खाना ही ले आई। वैसे भी तुम्हारे लिए खाना ज्यादा जरूरी था, मेरा बच्चा तो एक दो दिन बाद खिलौने से खेल लेगा।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बहन। तुम मेरी जादुई सोने की गाय ले जा सकती हो। ये गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि एक जादुई सोने की गाय है। इस गाय का गोबर भी सोने के गोबर में बदल जाता है। अरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी जिंदगी की सारी परेशानी ही खत्म कर दी है। फिर बूढ़ी औरत बाबा की जादुई सोने की गाय लेकर घर आ जाती है। फिर रोहित अपनी दादी के पास आकर बोलता है, दादी आप खिलौना नहीं लाई? अरे बेटा, मैं तुझे खिलौना जरूर ला कर दूंगी। देख, मैं जादुई सोने की गाय लेकर आई हूँ। अब इसका दूध बेचकर तेरे लिए खिलौने लाऊंगी। दादी जादुई सोने की गाय को घास खिलाती है, लेकिन गाय दूध नहीं देती। फिर जादुई सोने की गाय गोबर करती है और वो गोबर सोने के गोबर में बदल जाता है। फिर दादी सोचती है, क्यों ना मैं सोने के गोबर के खिलौने बना दूं? इससे मेरी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। फिर दादी सोने के गोबर के खिलौने बनाती हैं। सब खिलौने सोने के ही बन जाते हैं। दादी सबसे पहले एक कार बनाती है और उसे अपने पोते को दे देती है। फिर रोहित अपने दोस्तों को अपनी सोने के गोबर से बनी सोने की कार दिखाता है। ये देखो मेरी कार कैसी है, मेरी दादी ने बनाई है, ये सोने की है। चलो मैं सबको कार दिखा कर आता हूँ। फिर रोहित ऐसे ही दूसरे बच्चों को अपनी सोने की कार दिखाता है, तो बच्चे उससे कहते हैं, रोहित तुम किसकी सोने की कार चोरी करके लाए हो? और तुम्हारी दादी के पास सोने के खिलौने कहाँ से आ गए? तुम्हारी दादी तो बहुत गरीब है ना? मेरी दादी अभी एक जादुई सोने की गाय लाई है और ये उसी के जादुई सोने के गोबर से बना है। हम चोरी नहीं करते, हम बहुत ही ईमानदार हैं। रोहित की बात सुनकर बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। चलो हम भी तुम्हारे साथ खेलते हैं रोहित, हम चाहते हैं तुम हमारे दोस्त बनो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब रोहित की सोने की कार को बहुत पसंद करते हैं और उसकी कार देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। फिर वो आकर अपनी दादी से बोलता है, दादी दादी मुझे दूसरा खिलौना दो ना, मेरे सब बच्चे अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक खिलौने की वजह से मैं सबका हीरो नहीं बन पाया, अब मैं उन्हें और खिलौने दिखाऊंगा। दादी उसके लिए फिर जादुई सोने के गोबर से एक सोने का ट्रक बनाती हैं। फिर रोहित खेलने जाता है और बच्चे उसके खिलौनों को लेने की कोशिश करते हैं। हर एक बच्चा उसके खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने को बोलता है। फिर रोहित फिर से अपनी दादी को बोलता है, दादी मुझे एक और सोने का खिलौना दो ना। दादी फिर से रोहित के लिए जादुई सोने की गाय का जादुई गोबर इस्तेमाल करके एक सोने का हेलीकॉप्टर बनाती हैं। सोने का हेलीकॉप्टर बहुत चमचमा रहा था। रोहित उसे लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है, तो सब बच्चे उसके अद्भुत सोने के गोबर से बने खिलौने को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, रोहित तेरी दादी तो बहुत अमीर हो गई है, तुझे इतने अच्छे अच्छे खिलौने देती है, हमें भी अपना दोस्त बना लो ना। उसके बाद रोहित की दादी ने यही काम शुरू कर दिया और वो जादुई सोने की गाय की मदद से उसके जादुई सोने के गोबर से खिलौने बनाती हैं और बाजार में बेचने लग जाती हैं। उन्हें बेच बेच कर वो एक अच्छे दिनचर्या गुजारने लग जाती हैं और रोहित को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लग जाती हैं।